हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पके हुए केलों का बहुत ही अच्छा सा नाश्ता, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के केले लिए हैं। ये थोड़े ज़्यादा पके हुए केले हैं। अब हम सभी केलों के छिलके को निकाल कर ले लेंगे। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसका प्योरे तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे इस तरह से काट के ले लूँगी ताकि इसे ब्लेंड करने में इजी हो सके। अब मैं इसमें मिठास देने के लिए 2 से 3 चम्मच के करीब लूँगी चीनी। अगर आपको पैनकेक में ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है बेकिंग पाउडर, जो कि पैनकेक में फूलने में इजी होगा। अब मैं इसमें लूँगी 1 फुल कप मिल्क। ये कच्चा मिल्क है, आप चाहे तो इसे उबाल के भी ठंडा करके ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज़ किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो चुकी है, एक बर्तन में निकाल लेंगे इसे। अब मैं इसमें लूँगी 1/2 कप आटा। मैं यहाँ पे आटा के यूज़ कर रही हूँ और साथ में इसमें 1/2 कप लूँगी मैदा। आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी इसे यूज बना सकते हैं या फिर केवल आटे से भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आटा और मैदा दोनों का यूज़ कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। जब हम केला और दूध को ब्लेंड कर रहे थे, उसी समय आप चाहे तो आटा को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। हमें इसे इतना ही थिक रखना है। हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और इसमें अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा था, इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फैलाना नहीं है। पैन गर्म हो चुका है, अब इसे हम डाल लेंगे। हमें इस बैटर को ज़्यादा फैलाना नहीं है, वरना ये पतला बन जाएगा। और ना ही इस बैटर को ज़्यादा पतला बनाना है। हमें इसी तरह इसमें इसे डालकर 1 चम्मच तेल डाल लेंगे और इसे ढक लेंगे और ढककर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच में पकाएंगे। अब इसे एक बार पलट लेंगे। एक तरफ से पलटकर हमें ढककर फिर से इसे पका लेंगे। अभी हमारा ये एक पैनकेक बनकर तैयार है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये पैनकेक बनकर तैयार है, अंदर से भी अच्छे से पका हुआ है। इसी तरह हम सारे पैनकेक को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारे पैनकेक बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे हनी या फिर बटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।